स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो बायोलॉजी सीरीज में हम प्लांट रिप्रोडक्शन अर्थात पादपों में प्रजनन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके पहले दो भाग हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। और जो अगर मैं कहूँ कि इस टॉपिक की जो मुख्य पृष्ठभूमि थी हम पिछली दो वीडियो में पढ़ चुके हैं, और आज हमें उन दो वीडियो को अप्लाई करना है कि किस प्रकार आखिर में अब आपके फ्लावर या पुष्प में जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर होती है, लैंगिक प्रजनन, वह पूर्ण होता है, अर्थात जो निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी जिससे आपके युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है, और साथ ही किस प्रकार आपका ओवरी या अंडाणु से फ्रूट का निर्माण होता है, यह भी हम आज की वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वह था पॉलिनेशन अर्थात परागण, कि किस प्रकार परागण होता है और वे विभिन्न कारकों से संपन्न हो सकता है। तो उसके आगे हमें पढ़ना है, तो परागण में हमने पढ़ा था परागण से पहले कि जो आपका नर प्रजनन तंत्र है, कि जो नर प्रजनन अंग है या जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पुष्प में पाया जाता है वह क्या होता है, आपका स्टैमेन या फिर आपका पुंकेसर। तो स्टैमेन में जो आपका ये ऊपर का भाग है ये होता है आपके पराग कोश, और पराग कोश में जो है एंथियन की एंथर में आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं यानी कि पराग कण होते हैं। तो जब ये विभिन्न कारकों के या फिर आप हवा से कह लीजिए या फिर आप पानी के माध्यम से कह लीजिए या फिर किसी भी माध्यम से, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वे कौन कौन से कारक हैं जो परागण या पोलिनेटिंग की क्रिया में क्या मदद करते हैं। तो परागण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये जो आपके परागकण हैं ये कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो आपका मादा प्रजनन अंग जो कि आपके फ्लावर में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल, जिसे हिंदी में कहा जाता है गर्भ केशर या स्त्री केशर। तो पोलिनेशन या जो आपकी परागण है वह एक प्रक्रिया है जिसमें से ये परागकण आपके फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, और ये विभिन्न जो कारकों के माध्यम से पहुंचते हैं या फिर आप कह लीजिए हवा, पानी, तितली या अन्य किसी जानवर के माध्यम से। तो इस प्रक्रिया के दौरान हमें देखना है कि किस प्रकार परागकण जब आपके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसके बाद ये अंडाणु कहाँ है, हमने पिछली वीडियो में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो देखा था, तो अंडाणु आपका जो बीच की कोशिका है यह है आपकी अंडाणु या एग। तो हमें देखना है कि किस प्रकार जो ये परागकण हैं ये आपके इस अंडाणु तक पहुंचते हैं और फिर क्या करते हैं, ये निषेचन की क्रिया पूरी कर युग्मनज या जायगोट का निर्माण करते हैं। तो ये एक निचोड़ है कि हमें आज पूरी वीडियो में क्या समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, परागकण या पोलन ग्रेन्स। तो शुरुआत में बात करेंगे हम इन्हीं पोलन ग्रेन्स की। तो सबसे पहले इन पोलन ग्रेन्स का हमें स्ट्रक्चर देखना होगा, इनकी संरचना देखनी होगी कि ये आखिर बने कैसे होते हैं, ये किस प्रकार स्टिग्मा में यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर करते हैं और किस प्रकार ये आपके अंडाणु से निषेचन करेंगे। तो उससे पहले आवश्यक है कि हम पोलन ग्रेन यानी कि इन परागकण के स्ट्रक्चर के बारे में समझें। तो ये देखिए, मान लीजिए उस परागकण को हम बड़े स्तर पर देखें तो ये मान लीजिए आपका परागकण है, इंग्लिश में हम बोलते हैं आपका जो पोलन ग्रेन्स। तो आपको बता दूं जो आपका पोलन ग्रेन है या दूसरा नाम है इसका, पोलन ग्रेन को हिंदी में बोलते हैं परागकण। तो परागकण में दो न्यूक्लियस या दो केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये है आपके दो न्यूक्लियस या दो केंद्रक, जिसमें से जो ऊपर वाला जो आपका न्यूक्लियस या केंद्रक है यह कहलाता है आपका जनन केंद्रक, जबकि नीचे वाला न्यूक्लियस या केंद्रक आपका कहलाता है कायिक केंद्रक, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस या जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये दो न्यूक्लियस या केंद्रक आपके जो परागकण या पोलन ग्रेन्स में पाए जाते हैं। तो ये है आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखते हैं
कि ये जो पोलन ग्रेन्स आपके कहाँ जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पिस्टिल पर जब जाते हैं, तो वहाँ ये मान लीजिए ये आपकी क्या है, कार्पेल है, तो ये बन गई आपकी पिस्टिल या गर्भ केशर। तो ये जब पोलन ग्रेन्स आपके यहां पर आके, आप कोई भी कारक मान लीजिए, आप पानी मान लीजिए या हवा मान लीजिए या चमगादड़ के माध्यम से या किसी तितली के माध्यम से, तो ये जब जो पोलन ग्रेन्स है यानी कि जो आपके ये क्या है परागकण, आपके कार्पेल के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाते हैं। तो अभी हमने बात की कि इन परागकणों में एक क्या होता है, ये आपका है कायिक केंद्रक और ये है आपका जो है ऊपर वाला है प्रजनन केंद्र, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, और ये है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, जो आपका कायिक केंद्र है यह क्या करता है, जब यह आपके मान लीजिए ये आ गया आपका पोलन ग्रेन, तो यहाँ पर आके चिपक गया है, तो यह पोलन ग्रेन या परागकण में जो नीचे वाला जो केंद्रक है, हमने देखा ये कौन सा है आपका कायिक केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसका काम क्या होता है, यह आपके फीमेल कार्पेल या पिस्टल में एक नली का निर्माण करता है, और इस नली को हम क्या बोलते हैं, पराग नली या पॉलिनेटिंग ट्यूब। तो ये इसका काम क्या होता है, कायिक केंद्रक का, यह आपके इसमें कार्पेल में एक नली का निर्माण करता है, और इसके माध्यम से पहले हम ओवरी का स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं, ये ओव्यूल, कार्पेल पिस्टिल का स्ट्रक्चर हम पिछली वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं, तो इसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे आपको। क्लियर, तो पराग नली का कौन निर्माण करता है, आपका कायिक केंद्रक। तो ये इसका काम क्या है, ये पराग नली का इसका निर्माण करता है। तो आगे आगे जो है कौन सा केंद्रक चल रहा है, आपका कायिक केंद्रक, और ये कायिक केंद्र जहां तक जाएगा ये क्या करेगा, इस पूरी नली का निर्माण करेगा। और तो इस कायिक केंद्र का तो कार्य पूरा हो गया, यानी कि इसने क्या किया, एक पूरी पराग नली बना ली आपके गर्भ केशर के अंदर यानी कि पिस्टल के अंदर, और यह है इस नली के माध्यम से ये केंद्रक कहाँ पहुंच जाता है, आपके ओवरी में ओव्यूल तक पहुंच जाता है, यानी कि आपका जो यह आपका अंडाशय है और यह आपका है बीजांड, है ना। तो यहाँ तक यह जो कायिक केंद्र क्या है, अपने पराग नली का निर्माण करता है, तो इस केंद्रक का जो कार्य है वह पूर्ण हो जाता है। और इसके पीछे पीछे तो कौन सा केंद्रक आ रहा है, यह आपका प्रजनन केंद्रक यानी कि जो आपका रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, जो कि आपका एंथर का ही भाग है, सॉरी पोलन ग्रेन या जो पराग कण का ही भाग है। तो पीछे इसके यहाँ पर देखे जो ये है आपका, तो पहले तो यहाँ तक निर्माण कर दिया किसने, आपके जो कायिक केंद्रक ने इस पराग नली का निर्माण कर दिया, तो इसका काम हो गया पूरा। अब दूसरा आपका केंद्र है प्रजनन केंद्रक या फिर आपका रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। तो यह जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस या जो प्रजनन केंद्रक है, यह अपने आप को यानी कि अपने जो केंद्रक है इसको दो केंद्रक में विभाजित कर लेता है, यानी कि यह जो केंद्रक है यह आपके दो केंद्रक में यहाँ पर विभाजित हो जाता है, जिसमें से जो एक केंद्रक है यह निषेचन कर देता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण कर लेता है, किसके साथ, इसके साथ, और यह क्या है आपका एग। तो ये देखें, तो जो एक न्यूक्लियस है यानी कि जो आपका प्रजनन केंद्र जो कि दो केंद्रक में विभाजित हो गया, जिसमें से एक केंद्र निषेचन की प्रक्रिया यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया पूर्ण करता है आपका एग्स के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक फर्टिलाइजेशन निषेचन, तो एक केंद्र का काम पूरा हो गया, और जो दूसरा केंद्र क्या करेगा, यह
क्या कहा जाएगा, यह जाएगा आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक। आपको बता रही हूँ मैम द्वितीयक केंद्रक क्या है, आपका नाड़ क्या है, इन सब के बारे में हमने जब इसकी संरचना पिछली सेकेंड भाग में पढ़ी है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या चीज़ें हैं। तो आप उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको डाउट कोई डाउट नहीं लग रहा होगा। तो जो दूसरा न्यूक्लियस है यह आपका निषेचन करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक जो है केंद्रक के साथ। तो इस तरह जो आपका पूरा जो पराग कोष था, जो पराग कण है, इसका जो सभी पार्ट है वह आपके ओवरी में जाके यूटिलाइज हो गया, यानी कि जो आपका वेजिटेटिव जो केंद्रक, यानी कि जो आपका ये कौन सा केंद्रक है, काय केंद्रक, इसने तो पराग नली का निर्माण कर दिया। क्लियर। दूसरा केंद्रक है आपका प्रजनन केंद्रक, यह आपके दो भागों में यानी कि दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है, जिसमें से जो एक केंद्रक है यह अंडाणु या एग के साथ निषेचन कर लेगा और जो दूसरा केंद्रक है वह आपके किसके साथ निषेचन कर लेगा, यह क्या है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक, तो यह इसके साथ निषेचन कर लेगा। और इसी के कारण जो इस जो निषेचन को हम क्या कहते हैं, यानी कि जब पुष्प में आपके दो दो बार निषेचन की प्रक्रिया संभव हो जाती है, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर दो बार निषेचन की संभव प्रक्रिया संभव हो रही है, एक तो जब आपका केंद्रक एग के साथ फर्टिलाइज निषेचन करेगा और दूसरी बार कब निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, जब केंद्रक आपका द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट्स में आपके डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरे निषेचन की क्रिया होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स में कैसा फर्टिलाइजेशन या किस प्रकार का निषेचन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा दोहरा निषेचन। क्यों? क्योंकि हमने आंसर अभी देख लिया है और अभी हम एक इक्वेशन के माध्यम से भी समझेंगे। तो यह हमने देखा कि पुष्प में, फ्लावर में आपके दोहरा निषेचन हुआ है और ये दोहरे निषेचन की जो प्रक्रिया यहाँ पर संभव हुई है इसे हम इक्वेशन के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो पहले हमने देखा जो ये आपका दूसरा जो आपका केंद्रक आया था जो कि दो में विभाजित हो गया था, तो यह केंद्रक आपका निषेचित किया है किसके साथ, ये क्या है एग या अंडाणु, और इसके साथ निषेचन की प्रक्रिया संभव हुई है। और जब केंद्रक और एग का जो आपका फर्टिलाइजेशन या निषेचन होगा तो आपके पास क्या आएगा, जाइगोट या किसका निर्माण होगा, आपका युग्मनज का निर्माण होगा। तो इस तरह आपका फाइनली प्लांट में जो फ्लावर है उसमें जाइगोट का निर्माण इस प्रकार होता है। तो ये तो जाइगोट का निर्माण हो गया। तो दूसरा जो निषेचन हुआ है यानी जो आपका दूसरा केंद्रक था यह आपके किसके साथ फर्टिलाइज किया है, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस की हमने पिछली वीडियो में देखा था इसके बाद कितने न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस है ना, तो ये चीज याद रखें। तो ये है आपका द्वितीयक केंद्रक, और जब यह द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचन करता है तो यह किसका निर्माण करेगा, एंडोस्पर्म, और इसे हिंदी में हम भ्रूणकोश भी कहते हैं। क्लियर। तो ये था आपका पूरा। और तो इस तरह हम देखें कि ये पहला फर्टिलाइजेशन ये यानी कि पहली निषेचन की प्रक्रिया ये, और दूसरी आपकी निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ये जिसमें आपका एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ है। तो चूंकि आपका पुष्प में दो बार फर्टिलाइजेशन या निषेचन हुआ है जिसमें एक बार जाइगोट या युग्मनज का निर्माण हुआ है तो दूसरी बार एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश का निर्माण हुआ है, तो इसलिए हम इस निषेचन को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरी बात, अभी मैंने बोला केंद्रक का एक, इसके पास तो चलिए एक न्यूक्लियस है, उसके बाद द्वितीय केंद्रक के पास ये आपका द्वितीय केंद्रक है, चूंकि इसके पास दो न्यूक्लियस हैं तो ये आपके हो गए 2n, और जब ये निषेचन करेंगे आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे तो जो इनके पास एंड प्रोडक्ट आता है यानी कि एंडोस्पर्म, इसका कितने, इसके पास क्या होंगे, 3 पेयर गुणसूत्र यानी कि 3 pairs ऑफ जो आपका जेनेटिक मटेरियल होंगे, तो ये 2n और ये 3n।
तो 3N जो है आपका एंडोस्पर्म का जो हम देखते हैं कि तीन जो जोड़े पाए जाते हैं आपके गुणसूत्र के, तो ये है आपके एंडोस्पर्म की पहचान। और चूंकि यह 3N होता है और यानी कि तीन जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र के, इसलिए इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, यानी कि केंद्रक जब आपके द्वितीय केंद्रक के साथ निषेचन करता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन। तो ट्रिपल फ्यूजन यानी कि 1, 2, 3 यानी कि तीन न्यूक्लियस, यानी कि तीन न्यूक्लियस आपस में क्या किए हैं, फ्यूज किए हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन और त्रिसंलयन यानी कि तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करे हैं, तो इसलिए इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन का जो प्रोसेस बोलते हैं। तो ये था आपका पूरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके बारे में हमने आज कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं, जब पूरा हमने देखा है कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो पूरी हो गई है, इसके बाद आपके पुष्प में कौन सी संरचनाएं बनती हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कि हम बड़े चाव से खाते हैं, क्या, फ्रूट, है ना। तो यह जो आपका भारी हिस्सा है, यह क्या होता है आपका, ओवरी या अंडाशय। तो जो अंडाशय है आपका, यह पक कर किसका निर्माण करता है, आपके फ्रूट या फल का निर्माण करता है, ठीक है। तो यह आपका फल में निर्मित हो जाता है। और आपको बता दूं मैं, तो वैसे तो जो वे फल जिनका जो निर्माण है आपके ओवरी या अंडाशय से होता है, उन्हें तो हम क्या कहते हैं, आपके ट्रू फल यानी ट्रू फ्रूट कहते हैं, यानी कि जो सत्य फल कहते हैं। लेकिन वे फ्रूट्स जिनका निर्माण आपके ओवरी या अंडाशय से ना होकर आपके फ्लावर के किसी और भाग से हो जाए, तो उन फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, सीडोकार्प या फॉल्स फ्रूट या असत्य फल, क्लियर। तो सीडोकार्प आपके वे फ्रूट है जिनका जो निर्माण है आपका ओवरी या अंडाशय के बजाय आपके प्लांट के, जो आपके फ्लावर है उसके किसी और भाग से हो जाए। तो ये था आपका फ्रूट के बारे में। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर आप, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है इसका सेब। तो सेब जो है आपका सीडोकार्प है, क्योंकि जो सेब फल है आप उसका देखेंगे कि जो आप उसका जो हिस्सा खाते हैं वह दरअसल आपका ओवरी नहीं होता, आपका जो फूल का ओवरी भाग ना होकर फूल का आपका वो थैलामस भाग होता है। तो थैलामस, जैसे आपके जब प्लांट का जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका थैलामस जिस पर आपके सारे भाग टिके होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा से छोटा सा बनाया क्योंकि मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। तो ये आपका जो भाग है ये क्या होता है, थैलामस। तो थैलामस भाग जो है आपका सेब का खाने योग्य होता है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सीडोकार्प कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण है, इस फल का निर्माण आपके ओवरी या अंडाशय से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है आपका फ्रूट। उसके बाद ओवरी अंडाशय का निर्माण फ्रूट में, और ये आपका जो बीज का हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं हम, ओव्यूल या बीजांड। तो ओव्यूल का जो निर्माण है वह किसमें हो जाता है, आपके बीज में। तो ओव्यूल जो है आपके बीज में एक परिवर्तित हो जाता है। एग्जांपल आप आम का ले सकते हैं, आम, आम का आप जो भारी हिस्सा जो खाते हैं वो तो हो गया अंडाशय यानी कि ओवरी, ठीक है। ओवरी आपका फ्रूट यानी जो आम का भारी हिस्सा हो गया वो हम खाते हैं, और उसका जो आम की जो बीज की गुठली है वह क्या है, आपकी सीड, है ना। तो दरअसल जो वह गुठली है, जो सीड है आपका जो आम का, वह दरअसल क्या होता है, प्लांट का जो आपका फ्लावर है उसका ओव्यूल या बीजांड भाग शुरुआत में होता है, जो कि अब बीज में परिवर्तित हो गया। उसी तरह आगे हम देखते हैं, तो ये तो हो गया ओव्यूल और ये हो गया बीज। उसके बाद जो आपका ये युग्मनज या जायगोट, तो जायगोट का जो निर्माण हुआ है यानी कि जो आपका ये न्यूक्लियस है आपके एग के साथ फ्यूज किया है, निषेचन किया है, तो जिस जायगोट का जो निर्माण होता है, यह जायगोट या युग्मनज आगे चलकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करता है।
जिससे आपका जो बीज के जो अंदर होता है जायगोट का निर्माण होता है, जिससे आपका जो आगे चलकर नया पौधा उगता है। उसी तरह जो आपका ट्रिपल हमने देखा था ट्रिपल फ्यूजन में, जिसमें आपका दूसरा केंद्रक स्कैंडेड न्यूक्लिक के साथ निषेचन किया था, जिससे आपका एंडोस्पर्म या भ्रूणा जो भ्रूणा क्या क्या था भ्रूणा जो अवशेष था उसका निर्माण हुआ था, और इसका जो हमने देखा था थ्री एन था, है ना। तो स्त्री संलयन की प्रक्रिया से जिस एंडोस्पर्म या भ्रूणा कोश का निर्माण हुआ था, यह जो है आगे चलकर संचित भोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो संचित भोजन में परिवर्तन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो एंडोस्पर्म अपने आप में ही एक संचित भोजन है, जो कि किसमें पाया जाता है आपके, ये क्या है आपका पूरा सीड है। तो यह सीड के अंदर ही आपका क्या है, इसके साथ निषेचन होकर भ्रूण बना है, और इसके अंदर ही निषेचन होकर आपका क्या है एंडोस्पर्म बना है। तो ये आपके बीज के अंदर ही दोनों भ्रूण और संचित भोजन होता है, और बीज के अंदर जो आपका भ्रूण होता है एम्ब्रियो, इसे न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त होता है, यानी जो से पोषण होगा वह प्राप्त होगा बीज के अंदर, जो आपका एंडोस्पर्म है वह इस भ्रूण को जो भोजन संचित इसका काम ही क्या होता है संचित भोजन होता है, तो एंडोस्पर्म इस भ्रूण को जो है न्यूट्रिशन अर्थात भोजन प्राप्त प्रदान करता है, जिससे कि यह भ्रूण जो है आपका आगे बढ़ सके, यानी कि एक पौधे का रूप ले सके। तो इस तरह आपकी जो पूरी प्रक्रिया चलती है, यानी कि एक जो फूल से आपका हमने देखा कि किस प्रकार दोबारा से आपका फल का निर्माण हुआ, और फल के अंदर जो हमारा बीज है बीज से फिर आपका भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण जो है आपका दोबारा से एक पौधे का निर्माण करता है। तो यह जो एक प्रक्रिया है यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्लांट में होती है इसके माध्यम से चलती रहती है। तो थोड़ा सा बीज के बारे में देख लें, जहाँ इतना हम लोगों ने देखा है। तो बीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, हमने अभी बात की थी आम की, तो आम का हम अगर बीज देखें, यानी जो आम की हमारी गुठली होती है अंदर, तो आम का जो बीज देखें तो उसे अगर हम दो भागों में ऐसे खोलेंगे, अगर बीच में काट के देंगे तो वो बराबर दो भागों में बट जाती है। तो इस तरह से उसका कुछ निर्माण स्ट्रक्चर हो जाता है ना। तो ये है आपकी आम का, मान लीजिए किसी भी का आम का ना मान लें, और किसी फ्रूट का सीड मान लीजिए, जो कि आपका क्या है डाइकोटिलेडन या द्विबीजपत्री है। ये क्या होते हैं द्विबीजपत्री, यानी कि जो दो बराबर भागों में बट जाए, जैसे कि आपके आम की गुठली है ना। तो जब आपके दो बराबर भागों में ये बट जाए तो इसे हम क्या कहते हैं डाइकोटिलेडन या द्विबीजपत्री। तो यानी कि ये आपका सीड यानी कि बीज का प्रकार है। तो इस बीज को जब हम उगाएंगे यानी कि इसको हम मिट्टी में दबा देंगे, तो थोड़े दिनों बाद क्या है इस बीज से जो आपका भ्रूण था इसके अंदर वह आपका ऊपर की उठेगा, यानी कि उससे एक नया पौधा उगेगा, है ना। तो उस इसलिए भ्रूण के जब निर्माण नए पौधे के रूप में होगा तो पहले क्या होगा इससे नीचे रेडिकल का निर्माण होगा, क्लियर। तो पहले इस बीज से जो आपके जब मृदा में उगाया गया है तो दबाया गया है, इससे पहले रेडिकल का निर्माण होगा, और रेडिकल ही क्या करेगी यह इस पौधे की संरचना के लिए बीज का निर्माण करेगी, सॉरी बीज का नहीं जड़ का। तो जो जड़ है यानी जो आपका रूट है उसका निर्माण रेडिकल से होता है, और ऊपर की ओर हमारी क्या निकलती है शाखा यानी कि प्लूमूल, और प्लूमूल जो ऊपर की ओर निकलती है संरचना यह किसका निर्माण करती है आपकी टहनी का, या फिर जो स्टेम हम कह देते हैं स्टेम का निर्माण करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीज से जब आपका नए पौधे का निर्माण होता है तो शुरुआत में कौन सी संरचना का निर्माण होता है रेडिकल या प्लूमूल, यानी कि जड़ का या स्टेम का, तो आपका आंसर क्या होगा रेडिकल का निर्माण होता है। तो रेडिकल शब्द को याद रखिए, आप ऐसे कर सकते हैं जड़ को इंग्लिश में हम कहते हैं रूट, तो आर आर। तो पहले आपका रूट से हम बताया है जड़ पहले के निर्माण होगा तभी तो आपका पौधा ऊपर टिकेगा। तो पहले क्या निर्माण होगा जड़ का होगा, तो आर से याद रखें रेडिकल, ठीक है। तो पहले रेडिकल का निर्माण होगा फिर प्लूमूल का निर्माण होगा। तो ये था आपका द्विबीजपत्री यानी कि सीड के बारे में, और सीड को पोषण कौन देता है इसके अंदर उपस्थित एंडोस्पर्म। तो ये था हमारा पूरा पादपों में प्रजनन यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसे हमने तीन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया है। कोशिश थी मेरी दो वीडियो में कंप्लीट कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया, है ना। अब शॉर्टकट में तो पढ़ा नहीं सकती,
अगर क्या फ़ायदा शॉर्टकट में पढ़ा दूँ और आपको समझ भी ना है। तो मैंने कोशिश की है विस्तार पूर्वक आपको समझा दूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है आपका मिस ना हो जाए या फिर आपको डाउट ना रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।